जय हिंद जय भारत। लाइव अमृतसर आज पहुंचा है आतम पब्लिक स्कूल और इस्लामाबाद के स्थित स्कूल है। सबसे बड़ी बात, इसे चलाने वाले श्री देवदत्त जी ने पूरा इतिहास समेट कर रखा है स्कूल में, जहां वो बच्चों को आधुनिक शिक्षा देते हैं, वही संस्कारों का पाठ भी पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहां पर जय हिंद भी होता है और जय भारत भी होता है, तो इनके पास ऐसी संकलन है, इनके पास ऐसी धरोहर है जो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर भारत के हर उस आजाद ख्यालों से जुड़ी है और आजाद भारत से उन विरासत से जुड़ी है। मेडल हो और चाहे कई कई इनके पास ऐसे ऐसी धरोहर है जो पूरी दुनिया इनकी इस धरोहर पर फिदा है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला है। सबसे बड़ी बात, आतम पब्लिक स्कूल में इनकी धरोहर देखने के लिए देश दुनिया जहां यहां पहुंचते हैं, वही देवदत्त पर्यावरणविद है और सबसे बड़ी बात कहानीकार है। पंजाब की विरासत और देश की विरासत इन्होंने अपने इस आतम पब्लिक स्कूल में संभाल रखी है। तो आओ चलते हैं, देखते हैं उनका आखिर 26 जनवरी स्पेशल पर उनका संकलन में क्या क्या चीजें हम दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। तो चलते हैं उनके इस अनोखे सफर पर और उनके इस स्पेशल संकलन पर। तो लाइव अमृतसर की टीम आपको आज दिखाती है और मिलाती है एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बच्चों को जय हिंद भी कहना सिखाया है और बाबा नानक की वाणी की शिक्षा भी दे रहे हैं। उनके रोम रोम में देश बसा है और वो कहते हैं मुझे सबसे प्यारा मेरा वतन है। तो लाइव अमृतसर आज आपको रूबरू करवाता है आतम पब्लिक स्कूल के MD श्री देवदत्त से और जानता है उनके विचारों को और जानेगा उनके संकलन के बारे में और वो खुद अपने मुखारविंद से बताएंगे दर्शकों को कि आखिर वो इतने सालों से उन्होंने ये जो धरोहर समेट कर रखी है क्या उनके इरादे हैं और वो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। तो हम विदा लेते हैं और साथ चलते हैं उनके धरोहर को आप तक पहुंचाने के लिए। सफर जी, मेरे पास बहुत सारे रूम हैं म्यूजियम के साथ जुड़े हुए, लेकिन ये वाला जो रूम है ये सिर्फ आजादी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, मैं आजादी वहां से मानता हूं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ जुड़ा हुआ। क्या इसमें खूबियां हैं और इस कमरे को आप हमेशा रोज आके नमन क्यों करते हैं? इसलिए करता हूं कि मैं ये बात समझता हूं कि जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने देश आजाद करवाया, उनसे पहले भी शहीद हुए हैं, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी है और जिनको हमने अपनी हिस्ट्री का पार्ट नहीं बनाया। हमारी गवर्नमेंट भूल गई है उनको हिस्ट्री का पार्ट बनाने, और मैं चाहता हूं कि उनको भी हिस्ट्री का पार्ट बनाया जाए, क्योंकि हम कल गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और जब हमें आज़ादी मिली थी तो भारत में 565 गणराज्य थे। हर गणराज्य के लोगों ने पहली वर्ल्ड वार में जाके ना सिर्फ जो पास वाले कंट्रीज हैं उनको बल्कि यूरोपियन कंट्रीज को आजाद करवाया। मैं अपने देश के लोगों को जो बताना चाहता हूं कि उन लोगों से हमें ये हिस्ट्री शुरू करनी चाहिए। हमें तो आजादी 47 में मिली है, लेकिन 1914 में बहुत सारे दुनिया के बड़े कंट्रीज को हमारे सिपाहियों ने आजाद करवाया। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये कमाल कब से शुरू हुआ है? जैसा कि आप कहते हैं कि शहीद आजादी के पहले जो हमारे वो शहीद थे, हम मैं आजादी तब से मानता हूं, तो हमें कुछ दिखाइए आपके इस कमरे का राज क्या है। तो हम चलते चलते देवदत्त जी से जानेंगे राज क्या है। तो सर हमें सिलसिलेवार बताइए, ये जो आपने सामने ये फोटो है, इस सारे कमरे का इतिहास बताइए हमें आज। इस कमरे में सारे फर्स्ट वर्ल्ड वार के सिपाहियों की फोटोग्राफ्स हैं, उनका सामान है, उनके मेडल्स हैं, वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन अगर विधिवत तरीके से आप पूछना चाहते हो तो ये है कि 1901 में मलका विक्टोरिया के जाने के बाद क्वीन मेरी इंग्लैंड के तख्त पे बैठी थी और 1914 को जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई है तब हमारे सिपाही जब वहां गए हैं तो नेचुरली सिपाही जब मैदाने जंग में जाता है तो शहादत भी होती है। तो शहादत के बाद हम अपने सिपाही को और उनके परिवारों का सम्मान कैसे करते हैं, ये अगर सीखना हो तो इंग्लैंड वालों से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि क्वीन मेरी ने जो बड़ा काम किया है जी। तो उन्होंने ये किया कि हर शहीद होने वाले सिपाही के घर अपनी फोटोग्राफ के नीचे अपनी हैंड राइटिंग में ये कैप्शन लिख के भेजी, शोक संदेश लिख के भेजा। और उनको पता था, क्वीन मेरी जानती थी कि मैं जिनके घर ये संदेश भेज रही हूं वो ये लैंग्वेज नहीं जानते। तब जहां जो वाइस राय था उसकी ड्यूटी लगती थी कि उसको ट्रांसलेट किया जाए, तो ये ट्रांसलेट जब
किया तो ये लिखा हुआ है कि दुख अते स्नेह की हालत विच मेरे विचार उड के समुद्रों पार मेरिया भैणा दे कोल उस सुरग रूपी भारत देश विच जांदे हन जिसनों मैं दो बार देख चुकी हाँ और जिस नाल मैनू दिली प्रेम है। ये चित्र मैं तुहानू राज दे उस जोधे सिपाही की मानयोग जादूगर विच घलदी हाँ जिसने जुल्म और प्रतिज्ञा तोड़न के विरुद्ध सच्चाई और स्वतंत्रता के शानदार युद्ध विच तुहाडी और साडी खातर जान वार दिती। और उसके नीचे जे वाइसराय ने लिखा हुआ है कि जे तुसीं महाराणी जी दे इस प्रेम भरे सलूक की बाबत उन्हां दा धन्नवाद करना चाहो तो मैं बड़ी खुशी दे नाल तुहाडा सुनेहा उन्हां तक पहुँचा देवांगी। क्या बात है, ये तो थी उनकी बात। सबसे बड़ी बात, देश आजाद हुआ और हमने उन शहीदों को आखिर नमन कहाँ किया और हम कैसे मानते हैं जैसा कुछ आप दिखा रहे हैं, तो हम क्या नमन कर रहे हैं उन शहीदों को या देश भूल गया उन्हें? पहला तो उनके परिवार ही भूल गए, सबसे पहले उनके परिवार ही उनको भूल गए, हम याद करना भूल गए। दूसरा हमारा देश भूल गया क्योंकि हमने उनको हिस्ट्री का पार्ट ही नहीं बनाया, हमने ये समझा कि वो अंग्रेज लोगों की तरफ से लड़े हैं इसलिए हमारे कुछ नहीं लगते। और मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूं कि हमारे सिपाही अपना देश आजाद कराने से पहले विश्व को आजाद करवा के फिर इंडिया आए और कुछ शहीद हो के कई लोगों की अस्थियां आई, कई लोगों के मेडल्स आए, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने जाके कुर्बानी दी। अब ये नाम है उमदा सिंह, उमदा सिंह नाम कितना अच्छा है, उमदा मैना बेस्ट वन सिंह। और इसमें ऐसे बहुत सारे मेडल्स हैं जिसमें नाम है सिपाही सिंह, रोडा, मस्ताना, सुच्चा सिंह, वरियाम सिंह और एक नाम है किर आज सिंह। जब मुझे वो मेडल मिला तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि चिराज क्या नाम हुआ, तो फिर हम बहुत दिन सोचते रहे कि चिराज क्या हो सकता है। तब मैंने सोचा कि संधि की चिर जमा आज, कि बहुत देर से जो उम्मीद थी कि घर में एक बच्चा जन्म लेगा और जब जन्म लिया तो उसको सिपाही बना दिया, फौज में चला गया और शहादत प्राप्त करके घर आ गया और हम उन्हें भूल गए। ये इतने सारे आपने कहाँ से मिले आपको, ये क्या कबाड़ी से आपने खरीदे क्या? मैं जब बचपन में था तो तब भी मुझे दिया था कि ये बहुत कीमती चीज है, ये हमारी सरकार क्यों नहीं समझ रहे, बहुत छोटा था मैं जब मुझे समझ आ गई थी। और मैंने 40 साल से ये इकट्ठे किए हैं और मुझे प्राउड है कि मेरे पास ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कलेक्शन है। तो लोग ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सोना समझा हो मेडल को और सोनिया बेचने के लिए बाजार में चले गए या कबाड़ को बेच दिया पीतल के भाव में, ऐसा नहीं। ये तो स्वाभाविक है कि जब भी देखो ना ब्रिटेन गवर्नमेंट क्वीन मेरी एक मेडल भेज रही है और मेडल जब शाही घर से आ रहा है तो हर बंदे के मन में होगा कि यार इसमें सोना वगैरह जरूर होगा। मैं आपको एक मेडल दिखाता हूँ कि ये इस पैकेट में जो मेडल वहां से आते थे, इसके साथ दो छोटे मेडल थे, एक कॉपर का और एक सिल्वर का जी। और जब ये मेडल आते थे तो हर आदमी ये समझता था कि यार इसमें सोना जरूर होगा जी। तो वो सुनारों के पास चले जाते थे देखने के लिए कि इसमें सोना है, तो सुनार ने तो जब चेक करना तो उसको काट के करना है कि सोना है कि नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिपाही की डबल माउथ है, एक तो वह मैदानी जंग में मारा गया और दूसरा जो उसका सम्मान था वो भी सर कटा बैठा। इस जिस सम्मान है जो बग्गा सिंह सिपाही है उसका है। चलिए हम आपके इस विरासत भरे कमरे के आगे वाले चलते हैं और सबसे बड़ी बात, सम्मान कुतर डाले गए और सम्मान क्यों कुतरे गए, ये है या बहुत ज्वलंत विषय है। तो हम जानते हैं इस कमरे के बारे में जो आपने इसको देखिए, ये पूरे शहीदों के नाम पे आप ये रूम आपने सजा कर रखा है, तो आप बताते जाइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को लाइव अमृतसर पर, ये सिलसिलेवारी फोटो किनकी है? मैं सिर्फ ये आतम पब्लिक स्कूल में मैंने ये रूम इसलिए बनाया कि अपने बच्चों को अपने देश की मिट्टी के साथ जोड़ने कि जब स्टेट्स थी तब भी हमारी स्टेट्स ने कितनी कुर्बानियां दी थी और हर स्टेट से सिपाही तैयार होके गए थे। ये हर स्टेट का अलग अलग काम है कि सिपाही तैयार कैसे हो रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म कैसी थी, उनके पास तब हथियार कैसे थे और जब वो लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो उनकी सैलरी है 12 रुपये, तो 12 रुपये सैलरी दे के वो जहाज पे जा रहे हैं, किसी ने देखो सर पे ऊपर अपना बिस्तर बंद उठाया हुआ है, किसने ट्रंक उठाया हुआ है, किसने अपनी जरूरतों का सामान उठाया हुआ है और वो जा रहे हैं लड़ाई के मैदान में। और आगे वो जब जाते हैं अपने घर से दूर जाते हैं
मन परचावे के लिए वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को लेके वो अपना अपने बच्चों की याद ताज़ा कर रहे हैं, उनके साथ दिल बहला रहे हैं। और जब ये महाराजा भूपिंदर सिंह है तो ये महाराजा भूपिंदर सिंह के बारे में बताइए, ये कौन से घराने से थे और इनका इतिहास क्या है जी? पटियाला घराना, पटियाला जो हमारी स्टेट थी, बड़ी रिच स्टेट थी, उन्होंने भी फौज भेजी। सभी स्टेट जितनी भी जींद थी, कपूरथला थी, नाभा थी, पटियाला थी, सभी ने पंजाब में जितनी स्टेट और इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी फौज वहां से भेजी, और जिन्होंने जाके वहां शहादतें दी। और हमारे सिपाही जब गए तो फ्रांस में मतलब एक दिन में 2,000 सिपाही एक रात में मारा गया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आगे से गैस वाला बम उन्होंने छोड़ देना है। और जब गैस वाला बम चला तो तब इतने लोगों की शहादत के बाद इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि मास्क पहन के जंग कैसे लड़नी है। ये लड़ाई के अलग अलग चित्र हैं, और हमारी फौज किस ढंग से, किन परेशानियों से होके गुजरी है, ये सारा इन चित्रों में हम अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि जो आजादी हमें मिली है उसकी शुरुआत कब हुई है, वो जोधे सिपाही उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं। तो और हमें ये जो तस्वीरें हैं, ये लोग सेना के ही हैं क्या? बार ये वाले ये जो वर्ल्ड वार लड़े सिपाही उनके हैं, उनके चित्र हैं, और ये इनकी पेंटिंग बनी है, ये फोटोग्राफ्स नहीं है, ये इनकी पेंटिंग्स है। और हमारे गांव में कितने लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में गए हैं उनका जिक्र है, क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने हर गांव के बाहर एक सिल लगवाई थी। ये सिल देखो जिनौरी की है, जहां उन्होंने लिखा हुआ है कि इस गांव से 155 फाइव मैन लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में गए हैं, जो 1914 से लेकर 1919 तक चली है, 6 उनमें से मारे गए हैं, बाकी वापस आ गए हैं। तो हर गांव के बाहर उन्होंने सिल लगाई उनका सत्कार के लिए, कि इस गांव ने पूरे विश्व को आजाद करवाने के लिए, विश्व के बड़े देशों को आजाद कराने के लिए इतने लोगों की शहादत दी है। और किन किन देशों के बीच ये जंग हुई वो उसका हिसाब लिखा हुआ है, कितने पैसे खर्च हुए, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, ये सारा इस कमरे में मैंने बच्चों के लिए लगाया हुआ है, ताकि बच्चे हमारे समझे इस बात को। और ये भी बातें हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो चीजें यूज की गई, जी जिनको इस्तेमाल किया गया, वो जी सारी इस कमरे में रखी हुई ये है। टाइपराइटर जो है, ये फर्स्ट, ये कौन सा है, ये तब का ये है? मेड इन कोरोना का है, ये मेड इन इंग्लैंड का है, कोरोना कंपनी का बना हुआ है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार तब ये ऐसे ही टाइपराइटर यूज होते थे, क्योंकि ये पहला टाइपराइटर है, जैसे ये रोटी के डिब्बे हैं, खाने के डिब्बे हैं, तो इनके नीचे जो गर्म करने का भी इस्तेमाल है, जब इसे खोलते हैं तो इसके अंदर टिफिन हुआ करते थे, अच्छा, गर्म रहने वाला गर्म टिफिन। गर्म रहने वाला तो टिफिन ये है, जैसा फौजी तो लंबे लंबे, वो लोग ये वाली फोटो जो फोटोग्राफ्स हैं, ये चिट्ठी लिखने वाली है तब के दौरान की है, क्या है ये, कहाँ है? ये अगर हम 100 साल पीछे जाते हैं ना, तो ये बात तो स्वाभाविक है कि हर बंदे को चिट्ठी लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी जो सिपाही जख्मी हैं उनकी हेल्प के लिए उन्होंने उनको एक राइटर दिया हुआ था, जो वो चिट्ठी लिखवा रहा है, सिपाही चिट्ठी लिखवा रहा है अपने घर पहुंचाने के लिए, अपना बताने के लिए कि मैं कैसा हूं। लेकिन जो जख्मी सिपाही थे उनकी तीमारदारी ब्रिटेन वालों ने कैसे की है, ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने महल खोल दिए उनकी, क्योंकि जब जगह की शॉर्टेज पड़ गई, इतने लोग मारे गए, इतने जख्मी हो गए, तब उन्होंने अपने महल भी खोल दिया। ये वाली जो तस्वीर है, ये हाँ वाली तस्वीर, हाँ ये महल में बेड लगा दिए गए हाँ हैं। अपने महलों में उन्होंने बेड लगा दिए कि इनकी रक्षा करनी है, क्योंकि ब्रिटेन वाले जो बात जानते हैं कि अपने सिपाही की कदर कैसे करनी है। दिल सर ये बताइए, ये जो फोटोग्राफ्स है, क्या इसमें वो ये कौन से लोग दिखाई दे रहे ये हैं? सारे सिपाही हैं जो जख्मी हो गए हैं, और वो अलग से एक फोटोग्राफ करवा रहे हैं, किसी की बाजू टूटी हुई है, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की आंख निकली हुई है, ये सारे अलग अलग ये फोटोग्राफ करवा रहे ये हैं। जो है, ये भी तभी का है क्या? ये ये आपको क्या, बिगल हाँ ये 100 साल पुराने हैं, 100 साल पुराना है ये? हाँ जी, एक आर्मी के बिगल भी होते हैं ना, कि उनके परेड के वक्त ये बिगल भी बजता है, और उसके बाद ये परेड करवाते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने इतने अनोखा संग्रहालय का जो बिगुल आपने कब बजाया, कब? 40 साल आप बता रहे हैं पहले, ये मुझे आपको मैं बचपन में था, जब आज से 45 साल पहले मुझे पता लग गया था कि ये चीजें संभालने वाली हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे फील्ड में काम किया है। मेरे पास मैनुस्क्रिप्ट्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है, कॉइन्स की बहुत बड़ी कलेक्शन है, और ये मुझे प्राउड है कि जिस चीज के ऊपर आज आप फिल्म बना रहे हो, इसकी
इन मेडल्स की पूरे विश्व की सबसे बड़ी कलेक्शन में। क्या बात है, सबसे बड़ी कलेक्शन है, सबसे बड़े बादशाहों को इन्होंने जिस तरह अपने दामन में अपने आंचल में छपा छुपा रखा है, क्योंकि ये देव है और दर्द है, दर्द समझते हैं, दर्द समझते हैं। ऐसे शील्डों का जो शहीदों को मिले और कबाड़ में बिक गए, सर ये क्या है, ये कुछ अलग चीज है क्या, कुछ अंग्रेजी में? अमृतसर के बहुत सारे नाम रहे हैं, अमृतसर के अलग अलग नाम रहे जी, तो चक गुरु रामदास, गुरु रामदासपुर, अच्छा अमृतसर, क्या बात, फिर ये अमृतसर था, अच्छा नाम UMRITSUR, क्या बात है, ये बहुत बड़ा खुलासा कि अमृतसर का नाम यू से पड़ता था। अगर किसी ने नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि इसके साक्ष्य है, सबूत हैं, और ये सब पीतल पे लिखे हुए, इनको क्या बोलते हैं सर? ये बैचेज हैं, ये कोर्ट में जो लोग थे, ये कोर्ट का है, सिविल कोर्ट सदर स्टेशन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है इनके पास जो कलेक्शन है और जो इनके पास चीजें हैं वो धरोहर। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे फोटोग्राफ, सर इतने अच्छे फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट कहां से आपको मिले? ये सारे नेट से मिल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कलेक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन जो शाही परिवार है, जो रेयर फोटो है, ये वाली, हाँ ये वाली सारी जो शाही परिवार है इंग्लैंड का, रॉयल फैमिली, उसकी सारी फोटोग्राफ्स है। मैं ये वाली, इस स्टिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि जी, जी, स्टिक जो है, जी जी बताइए बताइए, ये ब्रिटेन का ताज है। अच्छा, ब्रिटेन का ताज है, इस ताज ने पूरे विश्व में राज किया है। ओहो, पूरे क्या विश्व है? में इनकी बस्तियां थी जी। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कोहिनूर हीरा है जी, वो इसी ताज के बीच तीन पीस करके लगा हुआ है, जो बड़ा पीस है वो सेंटर में लगा हुआ है, जो छोटे पीस है वो साइड में लगे हुए हैं। ये क्वीन का ताज था, अभी भी ज्यूल म्यूजियम जो इंग्लैंड में है उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। क्या बात, तो ये जो रॉयल आर्मी थी उनकी ये स्टिक। चलिए, ये तो शहीदों को लेकर बात है, देश के अखंडता की बात है, सबसे बड़ी बात ये देवदत्त जी हैं, और देवदत्त हर चीज का दर्द जानते हैं, चाहे पर्यावरण हो, चाहे संकलन हो, इन्होंने जो जो चीजें आज तक इन्होंने संकलित की है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आने वाला। सबसे बड़ी बात, देवदत्त जी ने हर दर्द को समझाया, और हम देवदत्त जी से बात करते हुए जानते हैं। सर ये बताइए, आपको हर चीज बेजान चीजों से इतना दर्द है, तो जिनमें जान है, मतलब मनुष्यों से ज्यादा दर्द होगा, थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप जिससे भी बात करते हो आपका मुरीद हो जाता है, शायर भी हैं आप, इतिहासकार भी हैं, आखिर इतनी 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 बोझ, हम बोझ कहेंगे क्योंकि जिंदगी बोझ नहीं होती, जब इसको बोझ माना जाए तो बोझ बनती है। जिंदगी कभी आप पे बोझ रही नहीं? मुझे बोझ नहीं लगती, मैं अपने वर्तमान में जीता हूँ, मुझे प्रेजेंट बहुत अच्छा लगता है, पास्ट की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपने प्रेजेंट में जरूर जिंदा रहे, और जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि हर चीज से मोहब्बत भी करे। मैं कुदरत से भी मोहब्बत करता हूँ, पर्यावरण से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं लोगों से भी मोहब्बत करता हूँ, और सबसे ज्यादा मैं अपनी मिट्टी से मोहब्बत करता हूँ, अपने देश से मोहब्बत करता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे देश को गाली निकालता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जी मैं क्या बात है, तो ये देव का दर्द और दर्द है पूरे देश के लिए, देश के वतन के लिए, अखंडता के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपने जो इतिहास संजोकर रखा है और आप जो खोज करता भी है, तो देवदत्त जी ये बताइए आखिर में, एक थोड़ा जब मेरे मन में भी एक मायूसी भर जाती है कि जब हम 26 जनवरी को केवल 26 जनवरी को ही मनाते हैं, यानी कि हम देश का संविधान रोज नहीं मानते, यानी कि हम कानून नहीं मानते, तो क्या 26 जनवरी अब एक औपचारिकता भर रह गई है? मुझे लगता है कि हर पर्सन को जिम्मेदार जरूर बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। आजादी हमें एक दिन के लिए नहीं मिली कि हम 15 अगस्त को मना लें, 26 जनवरी को मना लें, ओनली सेलिब्रेशन के लिए नहीं, हमें एक एक दिन एंजॉय करना चाहिए। हमें सबसे पहले एहसास होना चाहिए कि मैं आजाद हूं, और अपनी सोच को आजाद करना चाहिए। अगर मेरी सोच आजाद नहीं है तो मेरा बॉडी आजाद हो जाए उसका कोई फन नहीं है। सबसे पहले हमें सोच आजाद करनी पड़ेगी, कि हमें आजादाना तौर पर सोचने का तौर तरीका सीखना पड़ेगा कि मैं आजाद हूं तो मेरी जिम्मेवारियां की है, समाज के लिए मेरी जिम्मेवारियां कैसी हैं, देश के लिए जिम्मेवारियां कौन सी है। हर आदमी सफर जी देश को कोसता है, समाज को कोसता है, कारपोरेशन को कोसता है, समाज के जो दूसरे शोबे हैं उनको कोसता है। कभी किसी आदमी ने सोचा कि मैंने अपने समाज के लिए क्या कहा, मैंने अपने देश के लिए आज तक क्या करा है, मैंने लोगों के लिए क्या करा है, मैंने अपने लिए क्या करा है? ये सोचने की, रिस्पॉन्सिबल बन के सोचने की जरूरत है कि हम जिम्मेवार बने, हम सबसे पहले अपने लिए कुछ ना कुछ करें, फिर समाज के लिए करें, औरों के लिए करें, देश के लिए करें। और ये पूरा पता होना चाहिए कि मैंने अपने देश के लिए क्या करना है। अगर हर आदमी थोड़ा थोड़ा योगदान देगा तो बहुत बड़ा योगदान बन जाएगा।
तो ये दर्द भी था और देव जी की देव से कामना भी थी कि लोग अपने देश के बारे में जाने, कानून के बारे में जाने और देश को देश माने। ये जी हाँ, देश को देश माने और भारत माता की जय कहे। इसके साथ लाइव अमृतसर विदा लेता है और फिर लेकर हाजिर होगा एक स्पेशल ही प्रोग्राम देवदत्त जी के साथ। हम चलते हैं अगले सफर पर। जय हिंद, जय भारत।